और कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां एमबीबीएस छात्र की हत्या का मामला, एमबीबीएस छात्र की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या मामले में दोबारा हॉस्पिटल पहुंची थी जांच की टीम और फॉरेंसिक टीम ने सैकड़ों शराब की बोतलें भी कब्जे मिली हैं। 5 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच हो रही है और सीसीटीवी फुटेज में घटना की सुबह कई छात्र आते जाते दिखे हैं। 100 से अधिक छात्रों से पूछताछ जारी है। 45 से अधिक संदिग्ध छात्रों से पुलिस ने गहन पूछताछ की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और शरीर में दिखे हैं चोट के निशान। रामा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस हॉस्टल की ये घटना है। बिटूर थाना क्षेत्र का मामला है और इस पर बात करने के लिए संवाददाता नितिन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जिस तरीके से एमबीबीएस छात्र का जो हत्या का मामला है लगातार ये बढ़ता जा रहा है और अब खबर ये आ रही है कि जांच के लिए दोबारा टीम पहुंची हुई थी, क्या कुछ पाया जांच में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल भोर सुबह तड़के फॉरेंसिक टीम के साथ साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी समेत पुलिस के एक कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर एक बार फिर से मौका मुआयना करने गए थे, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने करीब सैकड़ों से अधिक शराब की बोतलों को वहां पर जब्त किया है। 5 सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो उसकी जद में है, क्योंकि उसमें छात्र जो है एमबीबीएस साहिल मृतक वो जो है उसमें आता जाता दिखाई दे रहा है। और सुबह करीब 3 बजे के आसपास जो है उसमें कई छात्र भी दिखाई दे रहे हैं जो बाथरूम की तरफ जा रहे हैं या नहाने जा रहे हैं। तो सुबह तो जो 5 कैमरे लगे हैं उन बिल्डिंगों में, उनको पुलिस ने अपनी जद में लिया है, जांच के घेरे पे लिया है। वहीं उनके जो एक एक मिनट के जो सीसीटीवी है वो देखे जा रहे हैं ताकि उसमें कोई ना कोई उनको क्लू मिल जाए। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें मृतक साहिल के सर में 2 गंभीर चोटें हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं शरीर में कई चोटों के निशान भी पाए गए हैं। तो पुलिस अब जो है वो दोनों एंगलों में जांच कर रही है। हो सकता है कि पुलिस का कहना ये है कि दुर्घटनावश भी हो सकता है कि साहिल के गिरने से मौत हो गई हो, या अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो उसकी भी जाँच की जा रही है। नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी में कई लोग आते जाते भी दिख रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने ये बॉडी जिस तरीके से पड़ी हुई थी वो नहीं देखी थी? किस तरीके से पता चला शव का उन्हें? देखिए, जहां पर जिस जगह पर साहिल का शव बरामद हुआ है वो एक बड़ा जो जैसे डंप यार्ड होता है, जैसे कूड़ा घर जिसको बोला जाता है, जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, वो क्योंकि काफी नीचे की जगह पर है तो वहां पर जाकर देखना पड़ता, जाकर अगर देखेंगे तभी पता चलेगा कि किसी का शव पड़ा है या कोई सामान पड़ा हुआ है। जो जगह है वहां पर जब सुबह गार्ड जाता है तो गार्ड ने इसको देखकर बताया कि एक व्यक्ति का वहां पर एक छात्र का शव पड़ा हुआ है। तो अब पुलिस अब जो 5 सीसीटीवी कैमरे की जो मैंने बात कही है, उन 5 सीसीटीवी कैमरों को पुलिस बराबर देख रही है, उनमें एक एक मिनट की जो फुटेज है उनको चेक किया जा रहा है। जी नितिन, ये भी बताया जा रहा है कि करीब 45 ऐसे लोग हैं जिनको संदिग्धता के आधार पर अभी अरेस्ट किया गया है, क्या पता चल रहा है कौन ये लोग हैं, क्या उसके साथी थे या कोई और लोग? देखिए, आपको बता दें कि जो मृतक साहिल है उसका 5-6 दिन पहले जन्मदिन था। उसने अपने कॉलेज में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, करीब 100 से अधिक छात्रों को बर्थडे की पार्टी दी थी। हालांकि एक चीज और भी सामने आई है कि साहिल जो है वो सेकेंड ईयर में पहले फेल हो गया था, तो उसके जितने और साथी थे वो थर्ड ईयर में पहुंच गए, तो उनकी दोस्ती उन्हीं से थी। जिस दिन ये मामला हुआ है, जिस दिन साहिल का सुबह शव बरामद हुआ है, उसी दिन रात में हॉस्टल में ही नॉनवेज बनाया गया है और मंधना एक ढाबा है वहां से रोटी मंगाई गई थी। उस दिन ये पार्टी जो थी उसमें से एक छात्र जो साहिल का दोस्त है उसका जिस दिन की घटना हुई है रात में, उस दिन उसके जन्मदिन की पार्टी वहां पर मनाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं 100 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है जो साहिल के साथ पढ़ते थे, वहीं अब उसमें से 45 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिनकी पूछताछ में जिनसे जो है पुलिस को कहीं ना कहीं संदिग्धता नजर आई है, जिसके चलते उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये जरूर है कि कल 2 दिन से लगातार पुलिस साहिल के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। ठीक बात है नितिन, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां एमबीबीएस छात्र की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हत्या मामले में दोबारा हॉस्टल पहुंची थी जांच की टीम और फॉरेंसिक टीम ने सैकड़ों शराब की बोतलें भी कब्जे मिली हैं। 5 सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई है और सीसीटीवी में सुबह कई छात्र आते जाते दिखे हैं। 100 से अधिक छात्रों से पूछताछ भी हो रही है, जबकि 45 से अधिक संदिग्ध छात्रों को पुलिस ने गहन पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और शरीर में कई चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। तो रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है।